नमस्ते इत्यादि मित्रों तो मित्रों आज हम कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन कहानी के बारे में चर्चा करने से पहले आपको कहानी कैसे लिखते उसकी हम चर्चा करेंगे मित्रों। तो कहानी में आपको ऐसी रूपरेखा दी गई होगी जिसके माध्यम से आपको कहानी लिखनी होगी। कहानी में कई बातें बाहर के शब्द भी हमें अंदर लेकर हमें कहानी पूर्ण करनी होती है। कहानी में योग्य शीर्षक देना पड़ता है, फिर कहानी में जहाँ जहाँ पैराग्राफ आता है हमें वहाँ पैराग्राफ पाठ्य हमें लिखना होगा। फिर कहानी पूर्ण हो तब हमें सिख भी लिखनी पड़ती है मित्रों। तो हम पहले रूपरेखा देख लेंगे। आपके परीक्षा अथवा तो एकम कसौटी में जरूरी नहीं कि यही कहानी हो, आपको ऐसे भी कोई रूपरेखा दी गई होगी और इसके आधार पर आपको कहानी बनानी पड़ेगी मित्रों। इसीलिए आपके पुस्तक में जो जो कहानी बताई गई हो या दिखाई हो अथवा तो चित्र पर से भी कहानी बनानी हो वो भी आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपको कहानी लिखने में आसानी रहेगी। तो हम अभी रूपरेखा देखेंगे, एक कहानी की चर्चा करेंगे। तो एक शिकारी मांस खाने की इच्छा, जंगल में जाना, शिकार करना, हिरने की गोली चलना, हिरने की बंदूक की गोली चलना, कान में गोली लगना, बच्चे को जन्म देना, शिकारी को दया आना, अस्पताल इलाज करना। शिकारी को दया आना तो आने शीर्षक थे मित्रों दयालु शिकारी। અને તમને ખ્યાલ પણ આવી જશે કે આપણે ચિત્રપાઠ જે એક જોયો એ પણ આપણો દયાળુ શિકારી છે, એના આધારે તમે પણ કહાની લખી શકો મિત્રો। તો નવમ કહાનીની શરૂઆત કરતે તો એક શિકારી થા, એક દિન ઉસે હિરણ કા માંસ ખાને કી ઈચ્છા હુઈ ઓર વહ અપની બંદૂક લેકર જંગલ મેં शिकार करने के लिए चला गया। अब जंगल में हिरनी और कई हिरनी इधर उधर दौड़ रही थी और शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया था। हिरनी दौड़ती हुई शिकारी के सामने ही आ रही थी और शिकारी ने निशाना साधा और हिरनी पर गोली चलाई। हिरनी मोटी और ताजी थी और हिरनी पर गोली चलाई। गोली की आवाज से दूसरी हिरनी भी इधर उधर भागने लग गई। जब गोली शिकारी की गोली जब चली तब हिरन की टांग में गोली लग गई और हिरन वहां ही बैठ गई। अब शिकारी ने सोचा कि हिरन को गोली कहाँ लगी है, वह देखने के लिए हिरन के समीप गया। समीप जाकर लेकिन शिकारी हिरन के समीप जाकर देखा कि उसके टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। शिकारी को अपने उस पर पछतावा हुआ क्योंकि उस और हिरन के आंखों में से आंसू निकल रहे थे। शिकारी को बहुत पछतावा हुआ और वह हिरन और उसके बच्चे को और जंगल में पशुओं का अस्पताल होता है तो शिकारी हिरन और उसके बच्चे को लेकर पशुओं के अस्पताल में ले गया और अस्पताल में जाकर हिरन के टांग में से गोली निकाली और उससे उसका इलाज मरहम लगाया और उसका इलाज करवाया और इससे हिरने को बहुत ही आराम मिला। अब शिकारी हिरन और उसके
शिकारी ने अपने हुए उसने जो गोली लगाई थी उस पर से पछतावा हुआ, क्या हुआ, वो हिरन और उसके बच्चे को बच्चे का इलाज करवाया। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी पशु पक्षियों पर दयापूर्ण व्यवहार करना चाहिए और उसे किसी भी तरह का नुकसान या हानि नहीं पहुंचानी चाहिए।